सबसे बड़ी जंग की कुछ बड़ी बातें दर्शकों को हम बता देते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ अपडेट हम दर्शकों को दे रहे हैं। देखिए बड़े अपडेट, यूक्रेन में लगातार धमाके हो रहे हैं, कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जो यूक्रेन है, पूरे यूक्रेन में अभी फिलहाल धमाकों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और कल रात की अगर हम बात करें तो कीव में, खारकीव में लगातार रात भर सायरन बजते रहे, हवाई अलर्ट जारी किया गया है। हवाई हमलों को लेकर लगातार यहां पर सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे। यूक्रेन ने माना है कि खेरसोन पर भी रूस ने अपना कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने भी माना है, कल रशिया ने यह दावा किया था कि हमने खेरसोन पर कब्जा कर लिया, अब यूक्रेन ने भी माना है। यूक्रेन के जो नागरिक हैं और साथ ही खेरसोन के जो मेयर ने, उन्होंने भी कहा है कि हमारे शहर को कब्जे में ले लिया है रूसी सैनिकों ने। यूएन में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हो चुका है, 141 वोट पड़े थे जिसमें से 35 देशों ने एब्सटेन किया, 5 देशों ने विरोध में वोट किया। ऐसे में लेकिन निंदा प्रस्ताव देखिए पास हो चुका है। यूएन में भारत एक बार फिर वोटिंग से दूर रहा। भारत की क्या भूमिका है यह भी आपको बता रहे हैं। वोटिंग के दौरान भारत ने एब्सटेन किया है, भारत ने दूरी बना ली है इस वोटिंग से। लेकिन भारत के जो प्रतिनिधि हैं यूएन में, टीएस त्रिमूर्ति, उन्होंने कहा है कि हम सीज फायर की मांग करते हैं और हमारी यह भी मांग है कि शांति वार्ता हो, शांति से काम हो, डिप्लोमेटिक डायलॉग बहुत जरूरी है अभी भी। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें दर्शकों को, लगातार रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ा अपडेट दे रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के खेरसोन शहर पर कब्जा कर लिया है, जो बंदरगाह है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर कब्जा करते हुए कल मेयर ने भी कहा था कि ये कब्जा पूरा हो चुका है। ब्लैक सी से सटा बंदरगाह शहर है खेरसोन, जहां पर कब्जा रूसी सैनिकों ने कर लिया है। खेरसोन के मेयर ने कब्जे की बात मान ली है, यानी कि यूक्रेन ने भी अब बात मान ली है कि जो खेरसोन शहर है वहां पर भी रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। अब सवाल यही है कि क्या खेरसोन से खारकीव और खारकीव से कीव की तैयारी है? रूबिका, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।